Welcome, friends, to yet another episode of News Divine, where we shall share important news from the divine world of the Nirankari Mission. नवंबर माह के इस अंक में हम आप तक अक्टूबर 2014 के सभी प्रमुख समाचार व संदेश लेकर हाजिर हैं। इस सफर में आपके साथ रहूंगा मैं, राकेश। नमस्कार, धन निरंकार। शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। हेडलाइंस ऑफ द मंथ: समागम सेवा, मिशन ओवरसीज, एसएनसीएफ डायरी एंड अदर न्यूज। और अब खबरें तफसील से। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ द्वय। संत तुलसीदास जी के द्वारा रची ये पंक्तियां निसंदेह सत्य हैं, और इसका प्रमाण तभी प्राप्त होता है जब हम संत महात्माओं व हरि भक्तों का संग करते हैं। संकेत तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, नवंबर का महीना है और निरंकारी जगत में इस माह की 15, 16 व 17 तारीख को 67वें वार्षिक संत समागम का दिव्य नज़ारा सजने वाला है। The vast assemblage of over a million people will include devotees and spiritual enthusiasts from different parts of India and many other countries spread across almost all the continents of the world. इस समागम का सिलसिला हालांकि तभी से शुरू हो जाता है जब इसकी डेट्स अनाउंस होती हैं, परंतु विधिवत रूप से समागम सेवा का शुभारंभ हुआ 12 अक्टूबर 2014 को। आइए चलिए समागम ग्राउंड्स में। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी निरंकारी समागम की सेवा का शुभारंभ हुआ सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी व पूज्य माता सविंदर जी के कर कमलों द्वारा 12 अक्टूबर को दिल्ली में निरंकारी चौक बुराड़ी स्थित निरंकारी सरोवर के ठीक सामने वाले विशाल मैदानों में हुआ। हजारों की संख्या में भक्तों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर सदगुरु बाबा जी ने अपने आशीर्वाद कुछ इस प्रकार दिए। सेवाओं का जब आरंभ हो रहा है, जो मिशन का वास्तविक रूप है, उसको एक व्यापक रूप में यहाँ पर हमें देखने का मौका मिलता है, और उसी के लिए ये तैयारियाँ ये चल रही हैं, और आने वाले दिनों में इसी प्रकार से जो उत्साह महापुरुषों में सदैव से रहा है और हमेशा से इंतज़ार में रहते हैं कि कब तारीखें अनाउंस होंगी, कब हम उन मैदानों में जाएंगे, कब हम इस प्रकार से एक अपनी ये तुच्छ देन दे पाएंगे, इस प्रकार से ऐसे जज्बे हमेशा भक्तों के हृदयों में रहे हैं, और अब भी उसी उत्साह उसी जज्बे के साथ सभी अपना योगदान दे रहे हैं। कार सेवा के प्रारंभ होने के बाद से ही दिल्ली व आसपास के कई क्षेत्रों से भक्त सेवा के लिए निरंतर आने लगे। बच्चे, बहनें, नौजवान और बुजुर्ग भी, कहीं मलबे की सेवा, कहीं सफाई की सेवा, तो कहीं लंगर में योगदान। कई सेवादार तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व अनेक और राज्यों से पूरे महीने के लिए ही सेवा पर डटे रहे। आइए जानते हैं सेवा और भक्ति के इन मतवालों से कि वो कौन सा भाव है जो इन्हें यहाँ बार बार खींच लाता है। दास का भाव यही कि सतगुरु ही आप सेवा करवा रहे हैं, क्योंकि दास समझता है कि सतगुरु कोई कोई कमी तो है नहीं, ना माया वालों ना ही मशीना वालों, क्योंकि ये काम चंद ही दिनों के विच हो सकता है, पर हजूर सच्चे पातशाह ने सारे ही सेवा दल नूं एक बख्शिया है कि तुसीं सेवा करो तो उसका फल तो तुहानूं अपने आप ही मिल जाना है। साध दी सेवा वो कर सके जिस तो आप करावे। तो ये सेवा करके ऐसा फील होता है जीवन में, मतलब कि आनंद ही आनंद है, क्योंकि आनंद झूठा आनंद तो दुनिया आनंद की बातें करती है, लेकिन गुरु ने जो सच्चा आनंद दिया है ये सेवा करके ही यहाँ से प्राप्त होता है। बोलते हैं, मक्खन खाना औखा है, रब नू पाना सोखा है, जिन्होंने रब नू पाना है निरंकारी मिशन में आओ फिर रब नू पालो, जिन्होंने रब नू पा लिया है वो खूब सेवा सिमरन सत्संग करे। जब आप एकत्व हो, आप साथ हो, तो आप हर मुसीबत हर मुश्किल का सामना कर सकते हो, तब आपको ये नहीं लगता कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी। सैटरडे जब मैं आई तो मुझे थोड़ा सा टेंशन थी, बेबी अकेला घर है, मैनेज होगा नहीं होगा, आज हस्बैंड भी साथ हैं, मदर इन लॉ साथ हैं, बेबी साथ हैं, तो कोई ध्यान ही नहीं है, मतलब पूरा ध्यान सेवा में जुड़ा हुआ। जो टीम हमारे साथ आई है अपने अपने घरों से, अपने अपने काम काज को छोड़कर,
हमें बिल्कुल भी ये नहीं पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इतना एक विश्वास है कि सतगुरु वहाँ हमारे काम कर रहा है, यहाँ हम सेवा कर रहे हैं। और ये सेवा तो इतनी सुखदाई है कि इस सेवा को किसी धन दौलत के साथ, संसार की दौलत के साथ नहीं तोला जाता। आई एम डूइंग दिस सेवा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट आई रियली स्टार्टेड फीलिंग felt the importance of seva in my life when I didn't get the opportunity to perform this seva. Actually, I went to Singapore for 2 years. So during that time, I didn't get the opportunity to perform this seva. मेरा नाम गुरप्रताप सिंह है। हम पटियाले से आए हैं। तकरीबन हम बचपन के ही यहाँ आ रहे हैं। तो सतगुरु ने हमको, हम वहाँ घर पे खेती करते हैं। यहाँ भी सच्चे पातशाह ने हमको यही काम बख्शा। हम यहाँ आके बहुत आनंद में हैं, बहुत खुश हैं। हमें कोई भी सच्चे पातशाह ने कमी नहीं छोड़ी। जो भी हम चाहते हैं, हमारे सोच से पहले ही सतगुरु हमको दे देते हैं। हम सेवा पे आए, पीछे वैसे जीरी कटने का टाइम हो रहा है, पर सच्चा पातशाह सारे काम अपने आप करी जा रहा है। और जैसे ही सुबह सुबह सतगुरु बाबा जी के दर्शन होते तो सेवादारों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती और सभी मंत्रमुग्ध हो उठते। और हजूर बाबा जी भी अभी आ चुके हैं ग्राउंड में। देखिए, संतों को आशीर्वाद दे रहे हैं हजूर बाबा जी। कितना अच्छा लग रहा है, बाबा जी सबके साथ हाथ मिला रहे हैं और सबको आशीर्वाद देते हुए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आ चुके हैं ग्राउंड में। और आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना एकत्व का भाव है, किस तरह से हजूर सबको आशीर्वाद देते हुए चल रहे हैं। सब संतों का ध्यान हजूर की तरफ है कि एक बारी वो चाहते हैं कि उनके हाथ छू लें। आप सब देख सकते हैं कितनी शिद्दत से ये सब संत एक सिर्फ बाबा जी का हाथ छूने के लिए तैयार है। शाम को सेवा करने के बाद सेवादारों को जब पूज्य माता जी के हाथों दूध जलेबी का प्रसाद मिलता तो मानो सोने पर सुहागा। दोस्तों, आप भी अवश्य इस समागम पर पहुंचकर आनंद व प्रेरणा प्राप्त करें। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस बार समागम का मूल विषय सदगुरु बाबा जी ने हार्मनी इन वननेस प्रदान किया है। इसी प्रकार समागम पर होने वाले कवि दरबार की समस्या है, एकत्व से ही सद्भाव बनेगा, सुंदर ये संसार बनेगा। और आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, जो है मिशन ओवरसीज। जी हाँ, निरंकारी मिशन की देश विदेश में फैली शाखाओं में किस प्रकार मानव कल्याण का सिलसिला कार्यरत है, आइए जानते हैं इस भाग में। Mission Overseas, the Atlanta, USA branch of the Nirankari Mission celebrated a festival of oneness on 4th and 5th of October. I'm here today at the Festival of Oneness in Atlanta, Georgia. For the very first time, where saints from Atlanta have come together and thought of this wonderful festival where all different communities are coming together, showing that we are one family, we are one society, and we are definitely one big community. To me, oneness is bringing different people from different cultures, different backgrounds together to make one family, one unit, one environment. But on the inside, we're all the same. And that's what we're here to represent today at the Global Mela. And even our shirts, they say oneness in different languages on the front. It's just to represent that even though we're all different, we're all one. We all share a persona that is worldwide, that encompasses humanity. Oneness to me means to just coming together in one place and, you know, in unity and love. All of us, no matter what our religion, no matter our race, no matter our background, if we truly love God, when we come together in one place, that is oneness, unity. At the end of the day, when we see a loving act of any kind or any type of good visualization in our own heads that makes us feel good, that just connects us with everyone, because that's what love is all about. And I hope the world can be one, especially all the countries together, all the people together. In India, we believe unity and diversity. Each of us have part of God inside of each and every one of us. That's how God made us. And Babaji's teaching us to look inside and not outside. Beauty is within, right? Communication, I think, is such a key. If we don't put ourselves with each other, there's no way we can talk, we can understand. So events like this really show
the culture to the community. They involve the community. It's a way to learn. This festival has brought everyone together, and it truly is a festival of oneness. Regardless of the race and ethnicity, everyone is here together as one. I'm here today in Washington, D.C., Bhavan, at a very special occasion where the Sadh Sangat of Washington have invited five dignitaries from various different branches and backgrounds to promote an international understanding of oneness, peace, and unity combined. Let's have a talk and see how they promote this message. To bring in tolerance for other faiths and amongst ourselves, that is the most dire need of time. It's really an overwhelming experience to practice medicine and help the poor, the needy ones, or the one who are sick. And it's the best blessing one can give and have. Charity begins at home, but we practice at work, and we bring home to cultivate that. It always broke my heart to see the suffering of people. And when we can avoid wars, we should avoid wars. Well, you know, I think there has to be an understanding of various peoples. And I think coming together, bringing people together with the idea that sometimes we are going to have differences, but those differences don't lead to conflict. And I think the work of the mission is great work, and I think very promising for the future. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. Everybody says that we have everything in this world, but not peace. People are in search of peace, and we are different in culture. We are differently living at various places. But we should have one motive, to have peace on this planet. On Saturday, 18th October, 40 volunteers from the Yorkshire branch of Sant Nirankari Mission teamed up with British Gas team to plant trees at home farm, Myton on Swale. मिशन ओवरसीज से अगले सेक्शन यानी SNCF डायरी की ओर बढ़ने से पहले लेते हैं एक लघु विराम. हमारे साथ बने रहिए. फाउंटेन ऑफ वननेस द लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए पधारें निरंकारी सरोवर कॉम्प्लेक्स एवरी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 7 and 7:30 PM. न्यूज डिवाइन में सभी दर्शकों का पुनः स्वागत. It is time to share the news from the world of SNCF, the Sant Nirankari Charitable Foundation, which is a branch of the Sant Nirankari Mission, working to heal, empower, and enrich the society. Because at SNCF, we share and care, because a happy and healthy world is our duty and our prayer. Let's take a look at the activities of SNCF through this report. जम्मू और कश्मीर के बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सेवादारों द्वारा निशुल्क लंगर, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल, ऊनी वस्त्र आदि का योगदान दिया गया. भारत व विश्व के अनेक शहरों में हर महीने की तरह अनेक रक्तदान शिविर लगाए गए, जहां सैकड़ों निरंकारी भक्तों ने महादान के माध्यम से अपने गुरु व मिशन की शिक्षा का अनुमोदन किया. जिन शहरों में ये कैंप लगाए गए उनमें प्रमुख रहे मुंबई, शाहबाद मारकंडा, गया, दिल्ली, बिलासपुर, चंडीगढ़, जम्मू, जीरकपुर और विदेशों में न्यूयॉर्क आदि. 2 अक्टूबर को जब भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई, तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से मिशन को इस अभियान का निवेदन आया. संत निरंकारी मिशन ने चूंकि वर्षों से इस प्रकार के योगदान निरंतर दिए हैं, इस मुहिम में भी सारा निरंकारी जगत सहर्ष शामिल हुआ. 2 अक्टूबर को देश की लगभग 3,000 शाखाओं में स्वच्छता अभियान आयोजित हुआ. दिल्ली में लाल किले पर भी एक विशाल रूप में इसे निभाया गया. जहां भारतवर्ष में ये अभियान चलाए गए, वहीं विदेशों में भी स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए. Saints, on this wonderful windy day, I'm here partaking with the New York Metro Sadh Sangat of the street cleanup.
Now, as Babaji always says, not only is it great to clean your inside, your mind, your body and soul, but it's also about the surroundings and the environment you're in. It's nice when a community and the people that live in the area, you know, join in on the cleanup, you know, because it makes everything, the environment for the children and everyone that sees what's going on learns from that, yeah. You know, and instead of throwing something on the ground, they'll put it in the garbage can, you know? I feel wonderful. I believe if it's the surrounding is clean, we have clean thoughts, clean minds, so let's get cleaning. I think what you're doing here is a prime example of how we can improve, because by a community, by a group like this that's so large, making a statement out on the street here, they're actually giving a message to the surrounding neighbors that are in the community. Just by actions of what they're doing here is actually giving a message across to everyone else in the community. I think by doing this social work, by doing this activities, we can come together and basically show our human values, what we have been taught by our Sadhguru. 26 अक्टूबर को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम पर एक विशाल रन फॉर वननेस का आयोजन किया गया। इससे पहले 7 अप्रैल 2013 को भी गुजरात के वडोदरा शहर में ऐसी ही दौड़ का आयोजन किया गया था। इस दौड़ में लगभग 20,000 निरंकारी युवाओं व सेवादारों ने भाग लिया। इस अवसर पर सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज व पूज्य माता सविंदर जी, साथ साथ भारत सरकार के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। यह जो दृश्य अपनी आंखों के सामने मैं देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं यदि किसी राजनीतिक पार्टी को इस मैदान में कोई रैली करनी होती तो शायद उसे करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते, तब भी शायद इतनी भीड़ यहां पर न हो पाती जितनी कि आज मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। यह बिना आध्यात्मिक शक्ति के संभव नहीं है। घंटे भर से सारे हमारे युवक और युवतियां खड़े हैं, उनके चेहरे पर शिकन देखने को नहीं मिल रही है, और जिस समय इस डायस पर परफॉर्म किया जा रहा था कि वी आर वन फैमिली, सारे नौजवान अपने हाथों को वेव कर रहे थे, एकता का परिचय दे रहे थे। इनके सामने बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि बाबा आपने इनके चित्त में बैठा दिया है कि भारत एक है, हम सब एक हैं। रन फॉर वननेस का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः पूज्य निरंकारी बाबा हरदेव जी, पूजनीय माता जी के समक्ष अपना शीश झुकाकर उनका जहां पर अभिनंदन करता हूं, वहीं पर बच्चों अपनी तरफ से बड़ा होने के नाते आयु में आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने आशीष प्रदान करते हुए कुछ यूं फरमाया, आज बहुत खुशी का अवसर है जबकि आप सभी एक उमंग एक उत्साह के साथ यहां नेशनल स्टेडियम में उपस्थित हुए हैं। रन फॉर वननेस के सिलसिले में जो कि आपके मनों के भाव हैं कि संसार में एकत्व का ऐसा सुंदर स्वरूप बने, सारे संसार का, और जैसे अभी आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने देश की एकता, देश की अखंडता, एक जुटता के बारे में प्रेरणादायक शब्द सबके सामने रखे। रन फॉर वननेस पिछले बरस वडोदरा गुजरात में मिशन के द्वारा, फाउंडेशन के द्वारा आयोजित हुआ था। वहाँ पर भी दास ने एक पंक्ति का इस्तेमाल किया था कि वी हैव टू वर्क फॉर ए कॉज एंड नॉट फॉर अप्लॉज, कि हमने कॉज के लिए काम करना है, ना कि कोई यश प्राप्त करने के लिए। भक्त हमेशा ही निष्काम हुआ करते हैं, परोपकार का जज्बा होता है, इसलिए वो अप्लॉज की भूख नहीं रखते हैं कि हमारी जय जयकार हो जाए या हमारा नाम हो जाए। उनको काम से मतलब है
और काम खुदगर्जी की पूर्ति वाला काम नहीं है, काम है चारों तरफ एक सुंदर रूप बनाने के रूप में। औरत एक दास शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर यही अरदास करता है कि एक सुंदर समाज, एक मजबूत देश और एक खूबसूरत विश्व बनाने के लिए सभी अपने इसी प्रकार के योगदान देते चले जाएं। प्रसिद्ध मैराथन धावक श्रीमती सुनीता गोदारा ने बाबा जी को फ्लैग ऑफ का ध्वज दिया और सदगुरु के द्वारा इस ध्वज के फहराते ही रन फॉर वननेस प्रारंभ हो गई। सदगुरु बाबा जी व पूज्य माता जी के दर्शन करते हुए सभी सेवादार गुरसिख आगे बढ़ते रहे समाज व विश्व में एकता के संदेश को पहुँचाने के लिए। जहाँ तक नजर गई, भक्तों के प्यार का सागर ही दिखा। नेशनल स्टेडियम से शुरू होकर कनॉट प्लेस के रास्ते वापस नेशनल स्टेडियम, लगभग 8.8 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में एकत्व के नारे गूंजते रहे। स्वयं पूज्य माता जी ने भी इस यात्रा में भाग लिया और जब सदगुरु के दर्शन हुए तो सभी नौजवान मानो जोश और उमंग से भर गए। वापिस आने पर भी सदगुरु बाबा जी का प्यार और आशीर्वाद पाकर सभी गदगद हो उठे। दिस इज ऑल अबाउट वननेस एंड अकेले तो कोई भी भाग सकता है, बट सबको साथ लेके चलना, दैट इज व्हाट बाबा जी इज टीचिंग एंड इट्स जस्ट लाइक यू नो इतने सारे बैकग्राउंड्स के सब एक साथ जस्ट डिपिक्टिंग द मैसेज ऑफ द मिशन। चलना काफी नहीं है, अब तो दौड़ना पड़ेगा क्योंकि चलने की रफ्तार, चलने से रफ्तार पूरी नहीं होगी, बात नहीं बनेगी, अब दौड़ो, अब खूब दौड़ो और एकत्व को स्थापित करो। द रिलेवेंस इज वननेस एंड द एक्साइटमेंट यू कैन सी ओवर हियर इज अमेजिंग, एवरीवन एज इफ दे इन अ थ्रेड ऑफ वननेस राइट नाउ ओवर हियर। सो इट्स अ मैसेज फॉर ऑल दैट प्लीज यूनाइट, आवर कंट्री नीड्स इट, आवर वर्ल्ड नीड्स इट फॉर बेटर प्लेस टू लिव। टू रियली टेक दैट मैसेज दैट it actually brings you a tremendous amount of happiness when you join people together, when you join societies together, when you bring others happiness. That's Baji's message, that was the message behind the event, and I hope you and everybody else enjoyed it. Run for this event should not just be a walk or a run, but we should practice it in our life as well, today and always. Well, oneness is basically that all should live in harmony. Because we are all a divided lot, built barriers amongst ourselves on the basis of caste, creed, color, religion, nationalities, cultures. So oneness is very important for having peace, and all can exist peacefully. So that's why to promote this vision and feeling of oneness, such an event has been organized. Run for Oneness का आयोजन दिल्ली के अलावा विदेशों में अटलांटा तथा सिंगापुर में भी किया गया। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। Run for Oneness! The importance of unity between people from different religions, different races, caste and creed, so that there's love and harmony for all in the whole world. SNCF द्वारा 19 अक्टूबर को रॉयल प्लाजा होटल में आयोजित मिस्टिक फेयर में फाउंडेशन की गतिविधियों की सूचना समाज तक पहुंचाने के लिए एक प्रयास किया गया। तो दोस्तों, ये थे समाचार SNCF डायरी के। अब चलते हैं अपने अंतिम सेक्शन की ओर, पर एक छोटे से संदेश के तुरंत बाद। वेलकम बैक टू न्यूज़ डिवाइन। अब समय है निरंकारी जगत के अन्य समाचार जानने का। दोस्तों, इस महीने भी दफ्तरों के सत्संग कार्यक्रम कोर्ट्स, जेल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स व अन्य कई स्थानों पर आयोजित होते रहे।
इसी प्रकार कई स्थानों पर महिला व बाल सत्संग कार्यक्रम भी आयोजित होते रहे। सदगुरु बाबा जी के सानिध्य में दिल्ली व आसपास के कई स्थानों पर विशाल सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां प्रेम और भाईचारे के भाव अनेक भक्तों ने गीत, कविता और व्याख्यानों के माध्यम से अभिव्यक्त किए। तो मित्रों, ये थे समाचार अक्टूबर 2014 के 67वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की व निरंकारी जगत की और सभी सूचनाएं व समाचार लेकर अगले महीने की 10 तारीख को एक बार फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। तब तक दीजिए अनुमति अपने मित्र राकेश को। नमस्कार, धन निरंकार।